सो रिटेलर को क्या करना है उसको इन सब के ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिफाइन करना है ताकि वो कितनी रेनोवेशन कितना रिपेयर कितनी मेंटेनेंस एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करनी है ही टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोर मेंटेनेंस डिसीजन के हवाले से सो दिज आर नॉर्मली द रिपेयर एंड डिसीजन बाय बाय टेकन अ रिटेल स्टोर तो क्या सबसे पहले उसको अंदर किसी भी एक रिटेलर को इंश्योर करना है सो द फर्स्ट पॉइंट चेकलिस्ट वो क्या है कि स्टोर को रिटेलर को ये देखना है कि स्टोर की जो आउटसाइड फैसिलिटीज़ है हु इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ फेसिलिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है कितना फ्रीक्वेंटली काम होगा किसके साथ हमारा एग्रीमेंट है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस को देखने का इसी तरीके से जब हम बात करेंगे आउटसाइड फैसिलिटीज को मेनटेन करने की फॉर एग्जाम्पल पार्किंग एरिया है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्क एरिया है फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशरूम एरिया है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इसके अलावा कोई वज़ू का एरिया है एरिया है इसके अलावा आपका कोई और अदर लट से गार्डनिंग का पार्ट है सो so वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है उनकी मेंटेनेंस का हु इज़ रिस्पॉन्सिबल क्या क्या उसकी टाइमिंग है कौन उसको प्रॉपर टेक केयर करेगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास चेकलिस्ट के अंदर आपको डिसीजन स्टोर मैनेजमेंट डिसीजन के मेंटेनेंस डिसीजंस के अंदर आती है वो ये है कि स्टोर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ टू बी डर्न बाय द रिटेलर्स पर्सनल या इट शुड बी फ्रॉम द थर्ड पार्टी विच मीन फ्रॉम द आउटसाइड स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट बात है तो आपको ये भी देखना है ये भी नोट करना है कि जो ये मैंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर डिसीजन लेना है ये कौन करेगा फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अक्सर के जो पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि आउटसाइड फैसिलिटीज़ के अंदर है या स्टोर के इनसाइड फैसिलिटी के अंदर है तो वो पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी इज बिन डन बाय द थर्ड पार्टी आउटसोर्स पार्टी तो यहाँ पे रिटेलर ने डिसीजन लेना है कि ये काम मैंने खुद करना है या ये काम मैंने किसी थर्ड पार्टी को देना है इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड रिपेयर शुड बी क्लासीफाइड इमरजेंसीज कौन सी रिपेयर मेंटेनेंस ऐसी है जो कि अर्जेंट है एमरजेंसी सिचुएशन है और कौन सी ऐसी जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो नॉन इमरजेंसी हैं किसके ऊपर रिटेलर को क्विक एक्शन लेना है और किसके ऊपर दे कैन यू कैन हैव सम टाइम टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन फॉर एग्जांपल अगर स्टोर के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट उस स्टोर के अंदर कोई डोर स्टोर की कोई एंट्रेंस स्टोर का सिक्योरिटी सिस्टम उसका अलार्म उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मली दे आर थिंग्स जो कि नॉर्मली कंसिडर्ड एज एमरजेंसी थिंग्स तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को फ़ॉरन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा तो आप फॉरन रिपेयर रिक्वायर्ड होगा उसके लिए यू कैन नॉट वेट फॉर लेट्स ए डेज और मे बी मंथ्स सो यू हैव टू टेक इमीजिएट डिसीजन फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू कि जो मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी किस पर्टिकुलर काम की को मेंटेन करने की क्या फ्रीक्वेंसी होगी फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लोर को क्लीन करना है अगर आपने एक्स्टर की विंडोज़ को क्लीन करना है तो ऑफ़ कोर्स उसकी मेंटेनेंस की क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो डेली होगी वो मंथली होगी वो वीकली होगी वो ईयरली होगी वो ट्वाइस अ ईयर होगी वो क्या होगी कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी क्या कॉस्ट है वो सारी की सारी बातें हम इस स्टोर मेंटेनेंस डिसीजंस के अंदर लेते हैं फिर इसी तरीके से फ़ौरन ही देखा जाएगा कि मेंटेनेंस जो है वो किस टाइम पे आपने करनी है स्टोर ओपन होगा तब मेंटेनेंस करनी है स्टोर क्लोज होगा तब मेंटेनेंस करनी है सीजन के अंदर करनी है वीकेंड्स के ऊपर करनी है या वीक डेज के अंदर करनी है नॉर्मली जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कोई भी रिपेयर और मैंटेन्स एक्टिविटीज़ हो तो वो ऑफ पीक आवर्स के अंदर की जाती हैं या ऑफ पीक डेज के अंदर की जाती हैं या ऑफ़ सीजन के अंदर की जाती हैं ताकि कस्टमर जो है वो कम से कम डिस्टर्ब हो इसी तरीके से फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपके लिए एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी होंगी मेंटेनेंस करने के लिए या यू नीड टू बाय समथिंग और यू नीड टू एक्वायर समथिंग यू नीड टू गेट समथिंग ऑन रेंट टू डू दैट रिपेयर और टू डू दैट मेंटेनेंस इन द स्टोर और फिर लास्ट बात के जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं दे हैव टू बी सेट फॉर एवरी सिंगल थिंग बेशक वो एक छोटा सी छोटी एक्टिविटी हो या बेशक कोई बड़ी से बड़ी मेंटेनेंस एक्टिविटी हो उस डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे तो इसी तरीके से रिटेलर जो की इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है उसमें ये भी है कि वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता है कि वेंच मार्क्स आई नीड टू अचीव इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड आउटकम्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एनर्जी मैनेजमेंट सो एनर्जी मैनेजमेंट एनर्जी आज के दिन के हवाले से इफ थ्रू आउट द वर्ल्ड इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में भी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज़ वेरी हाई

यू वील सी के बिजली नहीं आ रही दो घंटे एक घंटे तीन घंटे चार घंटे इफ़ द लाइट इज नॉट अवेलेबल तो देन यू गो फॉर 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 एग्जाम्पल फॉर द इन्वर्टर और फॉर द यू पी एस वो भी मसला हल नहीं होता यू विल गो फॉर द जनरेटर तो रिटेलर हैज़ टू डू द सेम प्लानिंग उसको ये देखना है कि अगर किसी टाइम के ऊपर एनर्जी का शॉर्ट फॉल है तो हाउ ही हैज टू इंश्योर कि वो उसको किस तरीके से एनर्जी के लेवल को मैंटेन रख सकता है एनर्जी एलैक्ट्रिसिटी को मैंटेन रख सकता है वो क्या उसके लिए ई एस टू ऑप्ट फॉर दी जनरेशन पावर जनरेशन सोलूशन और पावर जनरेशन के अलावा उसको कोई और सोलूशन uh, जो है वो दैट कैन हेल्प आउट सो सबसे पहले हाउ ही कैन इंश्योर एनर्जी मैनेजमेंट किस तरीके से वो कर सकता है जब कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर या रेनोरेशन के टाइम के ऊपर प्रॉपर उनको इंसुलेशन यूज़ करनी चाहिए सो so, इससे ये होगा कि नॉर्मली स्टोर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो स्टोर के इंटरनल टेम्परेचर को, को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा उससे ये होगा जब स्टोर अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखने में कामयाब होगा तो उससे ये होगा कि स्टोर का कस्टमर जो है स्टोर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी क्वालिटी को वो अपने लाइफ को खराब नहीं करेंगी कस्टमर मुतमइन कस्टमर होगा फिर देन एडजस्टिंग इंटरनल या इंटीरियर टेम्परेचर स्टोर के अंदर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली लाहौर या कराची के हवाले से यू विल ऑब्जर्व के जो समर सीजन है दैट इज़ थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट यू विल सी लेट से एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन तो स्टोर के अंदर एक पर्टिकुलर रिटेलर को एक इंटरनल टेम्परेचर को इंटीरियर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है मेंटेन करना है एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लेवल के ऊपर ताकि कस्टमर जो है वो पैनिक ना हो स्टोर के अंदर आकर बिकॉज इफ़ ही बी पैनिक ही विल स्पेंड लेस टाइम इन द स्टोर और अगर ही विल स्पेंड लेस टाइम इन द स्टोर रिजल्टेंटली ही विल बाय लेस प्रोडक्ट यूर सेल्स विल इफेक्ट एंड देन ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे यूर प्रॉफिटेबिलिटी विल इफेक्ट

लाइटिंग सोलूशन अगेन स्टोर के अंदर दो मेजर कॉम्पोनेंट है इक्विपमेंट को एनर्जी आपने देनी है एयर कंडीशन को आपने एनर्जी देनी है प्लस लाइटिंग इज बिग कॉस्ट तो किस तरीके से यू कैन यूज डिफरेंट सब्सटीट्यूट फॉर द लाइटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर सी एफ एल बल्ब लगे हुए हैं तो यू यू हैव टू रिप्लेस इट विद द एल ई डी विच इज़ द मोर लेट से लेस लेस्यू पावर कंज्यूमिंग एंड मोर इफेक्टिव मोर एनर्जी सेविंग फॉर द कस्टमर तो ये आपके पास

यूर यू लैपटॉप हैज़ टू भी स्विच यूर कंप्यूटर हैज़ टू भी स्विच ऑफ द ए सी हैज़ टू भी पावर्ड ऑफ अगेन जो लाइट है वो ऑफ करके जाए सो so, आपको बेसिक एनर्जी मैनेजमेंट कैंपेन विद इन द स्टोर आपको रन करनी है इफ़ यू डू दैट बी मोर इफेक्टिव एज ए रिटेलर और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन द बिजनेस ओवरऑल ऑन देश कॉस्ट ऑफ बिजनेस देन हम बात करते हैं रेनोवेशन के हवाले से जब रिटेलर अपने रेनोवेशन के परस्पेक्टिव को देखता है तो उसको कुछ क्वेश्चन उसके जहन में आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन उसके जहन में आएगा कितना फ्रीक्वेंटली हाउ ऑफन आई हैव टू डू दिस रेनोवेशन टास्क कब कब करना है कितने अरसे के बाद करना है बिकॉज ऑफ कोर्स इसकी इससे इसकी इससे हैवी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है फिर कौन से एरिया ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेनोवेशन मांगते हैं एज़ कम्पेयर टू द एरियाज जिनके पास आपको बहुत ज़्यादा फ्रीकुंटली uh, जिनकी रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर हाउ एक्सटेंसिव रेनोवेशन टू बी डन एट वन टाइम कितनी ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है रेनोवेशन uh, करना किसी एक पर्टिकुलर एरिए के अंदर या ओवरऑल रिटेल स्टोर के अंदर फिर विल रिटेलर बी ओपन ड्यूरिंग द रेोवेशन इंपॉर्टेंट बात है अगर इफ़ इट इज अग लेवल रेनोवेशन यू हैव टू क्लोज इफ यू हैव टू क्लोज तो द कस्टमर सर्कल विल भी डिस्टर्ब द कस्टमर बाइंग साइकिल विल भी डिस्टर्ब तो यू हैव टू मेक दैट डिसीजन कि क्या मुझे स्टोर को ओपन रखना है या मुझे स्टोर को क्लोज रखना है फिर आपके पास डू यू हैव द रेनोवेशन बजट फॉर इट प्रॉपरली ईयर के स्टार्ट के अंदर यू हैव प्लानड इट इफ येस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट रेनोवेशन और अगर नहीं बजटिट है तो देन यू हैव टू सी कि मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मेरे लिए कोई रेनोवेशन मैंडेटरी आ गई है और लास्ट बात इस पूरी रेनोवेशन का वट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट में इंकर करने जा रहा हूं क्या उसका बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट है या बिजनेस के ऊपर कितना इंपैक्ट है इफ़ द रेनोवेशन इज़ गिविंग लेट्स मोर बिजनेस विद रिजल्टिंग इन टू द मोर टर्न ओवर ऑफ कोर्स द रिटेलर हैज टू टेक दैट स्टेप और उसको ये रेनोवेशन के ऊपर जाना है लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है ऑन द बिज़नेस देन रिटेलर हैज टू थिंक ट्वाइस के उसको ये रेनोवेशन कॉस्ट इंकर करनी है या नहीं करनी